नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है टिप्स एंड सोल्यूशन में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें जो ड्राइवर इंस्टॉल है तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं है, तो इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, इसी के बारे में बताऊंगा, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, उसको जानने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है मैनेज, तो मैनेज में हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट का। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें जाना है डिवाइस मैनेजर में। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन से डिवाइस का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ येलो कलर का इस सिंबल शो कर रहा है, मतलब इसका जो ड्राइवर है वो इसमें इंस्टॉल नहीं है। मतलब समझ जाइए कि अगर आपको येलो कलर का सिंबल इस तरह से कोई कहीं पे दिख रहा है तो उसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। उसी तरीका से जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका भी ड्राइवर इसमें इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल में बता रहा है कि इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि आपके सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह आप जो है अपने कंप्यूटर के जो ड्राइवर है उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, बाय द वे, आप इसको ड्राइवर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद अपडेट ड्राइवर में करना है। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते इसका ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करना है तो इसके संबंधित मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ड्राइवर इसका इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा या अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।